Welcome back to my channel Pavni and Danyal show. And guys, today we are learning to that how to make yummiest Maggi for our. We are going to make cheesiest Maggi. So without any bug, let's get started. Da da da. Guys, first you have to take a pan and add lots of water. Let it be boil the water. Your flame should be high. Guys, let's add Maggi. Guys, after adding Maggi, हम लोगों को क्या करना है, Maggi को अच्छे से softer होने देना है, noodles type जो होते हैं ना वैसे type होने देना है, and जब फिर अपन को डाल देना है इसका मसाला. गाइस, जब आपकी मैगी कुछ इस टाइप की हो जाएगी तब आपको उसमें ऐड कर लेना है मसाला. और गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. गाइस, ये तो मिक्स द मैगी विद द मसाला. और गाइस, अपन को आराम से करना है ताकि ये पानी के छींटे अपने ऊपर ना आए. So guys, I have added the ketchup. And guys, अगर इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना ketchup, तो अब अपन इसके अंदर little bit of डालेंगे मिर्ची powder. So let's add chili powder. Now mix it. देखिए, आपकी मैगी अभी से ड्राई होना शुरू कर दी है. अब अपन को इसमें अभी थोड़ा सा वाटर ऐड करना और ज़रूरी है, क्योंकि अभी अपन ने इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट चीज़ नहीं डाला. और अपन अभी क्या बना रहे हैं, अभी अपन चीज़ी मैगी बना रहे हैं ना, तो मेन इंग्रेडिएंट इसमें अपना चीज़ है. मुझे पता है कि बहुत से लोगों के घर में चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, तो वो उसकी जगह मेयोनीज डाल सकते हैं, उससे भी ये मैगी चीज़ी हो जाती है. और मैं इसमें थोड़ा वाटर डालती हूँ. सो गाइस, नाउ वी हैव टू ऐड हाफ कप ऑफ वाटर. हाफ कप से भी कम डाला है मैंने. और वाटर डालना इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि गाइस ये ड्राई पड़ने लग जाती है, मीन्स जलने लग जाती है ये, इसलिए इसमें वाटर डालना बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर ये ड्राई हो जाएगा तो आप थोड़ा सा पानी डाल दिया करें. ये आप मैगी बनाते टाइम ज़रूर याद रखिएगा, हाँ, ताकि आपके मैगी चिपके भी नहीं आपके बर्तन में और आपको जली वाली मैगी भी ना मिले. तो अब हमने गैस को स्लो कर रखा था बहुत देर से, तब तो हम इसको तेज़ कर देते हैं, थोड़ा बॉयल होने देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं. और इसका सूप नहीं होना चाहिए गाइस, कम, ठीक है, क्योंकि अब अपन ज़्यादा पानी डालेंगे तो अपनी चीज़ी मैगी कैसे लगेगी, है ना. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करके फिर मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे दिखनी चाहिए. गाइस, आपकी मैगी कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए. और अपन को स्लो फ्लेम कर देना है. अपन को 1-2 मिनट के लिए सिर्फ तेज़ रखना है, और 1-2 मिनट भी नहीं, 1-2 सेकेंड रखे तो ही सही है. 30 सेकेंड्स तक का आप अपने गैस को तेज़ रख सकते हैं, एंड उसके बाद स्लो करना. तो अब हम अपना मेन इन्ग्रीडियंट डालने जा रहे हैं, चीज़. और अपन जैसे अपन चीज़ डालते हैं ना, तो अपन को गैस तेज़ कर देना है, ठीक है. सो लेट इट बी बॉयल, मीन्स लेट इट बी चीज़ मेल्ट द चीज़. जैसे आपकी चीज़ मेल्ट होगी तो आपको गैस स्लो कर देना है. एंड देन उसके बाद अपन डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट लास्ट में डालते हैं तो ज़्यादा टेस्ट आता है कहते हैं, तो उसको डाल देते हैं एंड मेल्ट होने देते हैं. और गैस अभी मैंने तेज़ करा था क्योंकि अभी मेरा चीज़ मेल्ट नहीं हुआ है. अब चीज़ को मेल्ट होने के बाद मैं गैस को स्लो कर दूँगी, और आप लोग भी कर देना. ओके गाइस, तो जब मेरी चीज़ मेल्ट हो गई थी, जब मैंने मेरे गैस को स्लो कर दिया था, तो अब हम डालेंगे इसमें 4-5 पिंच के लगभग सॉल्ट. Let it mix.
guys, it is ready to serve. Let's serve it. Yummy Maggie. So guys, our cheesy Maggie is ready. Let's take this. Guys, very yummy. Bye bye and thank you for watching मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और आप ये मैगी ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मैगी कैसे लगी. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.